अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के दिन का ये दूसरा व्लॉग, पहला व्लॉग मैंने बना लिया है, एडिट भी कर लिया है। और आज के दिन का दूसरा व्लॉग, अभी टाइम मैं देखता हूँ, टाइम हो रहा है 2:17। और पिछला व्लॉग मैंने 1:30 तक ख़त्म कर दिया था, अब ये दूसरा व्लॉग है आज के दिन का। तो अभी मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि वहाँ पे ना एक मुर्गी बैठी हुई है जो कि अंडा देने वाली है। अब ये नहीं पता पक्का अंडा ही देगी या क्या करेगी जब वो वहाँ से उठेगी। अभी तो मैं आपको भी नहीं दिखा सकता और मैं ख़ुद भी नहीं देखने जा सकता, क्योंकि अगर मैं देखने गया और उसने गलती से भी मुझे देख लिया तो वो अंडा नहीं लगाएगी। तो अभी देखते हैं अंडा लगाएगी भी या नहीं लगाएगी। काफ़ी मुर्गियाँ इस पिंजरे में भी अंदर गई हुई है, क्या पता ये भी अंडा लगाए। मैंने अभी देखा है सुबह के सिर्फ 2 अंडे हैं, उसके अलावा कोई अंडे नहीं है और इनकी लड़ाई हो गई है। तो अभी मैं वो इसको भी कोई चीज़ मिली, आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। पता नहीं ये काफ़ी टाइम से मैं इसे देख रहा हूँ, यहीं बैठ के एडिट कर रहा था। वो देखो इसके ना पता नहीं मुँह में कोई बोटी सी है या कोई तो चीज़ है, पर छोड़ो इनको, इनके हाल पे छोड़ दो, इन्हें खाने दो, इनको छोड़ो। तो ये देखिए ये हमारी मुर्गियाँ सारी अंदर हैं क्योंकि बाहर धूप है। ओह ठंड थी ना, अभी धूप आई है तो क्या पता बाहर आ जाए। वो जो हमारी मिस्री मुर्गी है ना, उसको मैंने दवाई भी दी और उसकी आँख पे पोलीफेक्स भी लगाई, क्योंकि उसकी एक आँख शायद मेरे ख्याल से तो ज़ाया हो गई है। तो अब मैं क्या ही करूँ यार, उसको मुर्गे ने मारा है तो उसकी एक आँख ज़ाया हो गई है। तो यार बहुत दुख हुआ है, पर कुछ नहीं होता। चलो उसे बुखार भी था तो मैंने उसे मतलब गोलियाँ भी दी हैं और मैंने उसे मतलब दवाई भी दी है। तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी दुआ करना, वो ठीक हो जाएगी। और ये ब्लैक मुर्गी इनके दड़बे में पता नहीं क्या कर रही होती, हर वक्त इधर ही घुसी रहती है, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आती। ये देखो, और वो शायद वो भी अंडा लगाने के मूड में। पहले मैं उसे ज़रा हल्का सा जाके देखता हूँ कि वो अंडा दे रही है। उसका आज मेरे ख्याल से उसका आज का नहीं, जब से लाए तब का पहला अंडा। देखते हैं, देखे वो बैठी हुई है मुर्गी वो कोने में सामने, पता नहीं मेरी तरफ ही देख। उस मुर्गी ने मुझे देख लिया, क्या पता वो अंडा ना लगाए या बाहर आ जाए। तो यार मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, अब शायद वो अंडा ना लगाए। पर हमारी जो ब्लैक मुर्गी है वो अंडे दे दे के सील, कम से कम उसके अब ज़्यादा ही अंडे मैंने गिने नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा उसके अंडे हो गए हैं, पर अभी तक वो कुड़ुक नहीं बैठ रही। शायद सर्दी की वजह से या ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना। शायद सर्दी की वजह से या कुछ तो इसे क्या हो गया है, पता नहीं अंदर से एकदम से भाग के ये, इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये जो असील मुर्गी है ना ये मारती है उन देसी मुर्गियों को, ये वाली असील मुर्गी। तो अभी मैं देखता हूँ दोबारा अंदर अंडे हैं या नहीं है। अभी तक तो जो पहले आपको पिछले व्लॉग में अंडे दिखाए थे, सिर्फ 2 ही अंडे थे और एक भी अंडा नहीं था। तो अभी तक कोई अंडा नहीं है। मैं इतने तक आपको मतलब दिखा देता हूँ कि हमारा घर थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, या ये नहीं घर नहीं, ये जो मुर्गियों की कोठी है ये आपको सारी एक्सप्लोर करा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये वाली पहले, ये असील मुर्गियों की कोठी है, हमने और असील मुर्गियाँ नहीं। अभी इसका गेट ना, एक दफ़ा असील मुर्गी भाग के आई है ना तो इसका गेट तोड़ दिया, इसका गेट अभी नया लगाना है। और ये पट्टी पता नहीं ये हमने नहीं बनाई, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना पहले की बनी हुई थी। तो ये देखिए ये पट्टी भी ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, इसको भी मैं लगा देता हूँ हल्का सा। तो ये अंदर से तो आपने देखी होगी, मैंने दिखाई है। और इस कोठी को हमने इतनी गर्म की है, हर जगह हमने बंद की हुई है, कहीं से भी आपको खुली नहीं, यहाँ से थोड़ी सी खुली, यहाँ से वो हम कर लेंगे बाद में। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बंद है, कहीं बिल्ली के अंदर जाने की जगह नहीं है। और यहाँ पे ये जो जगह है ना खुली हुई, ये हम इस टाइम खोल लेते हैं ताकि मुर्गियाँ अंदर जाके अंडे लगा ले, बाद में हम ये जो बड़ा सा है ना
आपको नज़र आ रहा पट्टा, इसे उठाते हैं और इधर रख देते हैं, इन शीटों को नीचे कर देते हैं और अच्छी सी जगह। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कूलर था जो हमारा ख़राब हो गया था, ये देखिए ये कूलर है। और आगे जो कूलर का एक स्टैंड होता है ना, वो है उसके अंदर, हमने इसके अंदर अभी और भूसा डालना है क्योंकि ये ज़मीन है, बिल्कुल ये ज़मीन है, ये भूसा बहुत कम डला हुआ है इधर इधर भी और उधर भी, क्योंकि ये भूसा मेरे भाई ने डाला था ना, क्योंकि ये भूसा मेरे भाई ने डाला था तो उसने कम डाल दिया था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं इतना इस पे ध्यान दे रहा था तो उसने शायद थोड़ा कम डाल दिया। अब मैं और मेरा भाई मिल के यहाँ पे और भी भूसा डालेंगे, जब वो बाहर आएगा तो तब मैं आपको दिखाऊँगा। अभी मैं उस मुर्गी को देखता हूँ, वो बैठ के कर क्या रही है, मैं उसे देखता हूँ। उसने उल्टी साइड मुंह कर लिया, उसने मेरी तरफ अभी नहीं किया हुआ, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि उसने दूसरी साइड, और क्या पता वो अंडा लगा दे और हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको पहले दिखाता हूँ, वो सामने मुर्गी बैठी है और मेरी तरफ देख रही है, इसे डिस्टर्ब नहीं करते, छोड़ो ये देखे ये बैठी हुई। आप कह रहे हो इसे छेड़ते नहीं है, छोड़ो ऐसे ही फिर अंडा भी ना दे। देखे ऐसा मौसम है, धूप आती है फिर चली जाती, अभी देखे कोई नामो निशान नहीं है धूप कोई भी, अभी इतनी अच्छी धूप निकली थी फिर ख़त्म हो गई, फिर निकलती है फिर ख़त्म। अभी मैं आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये हमारे घर के बाहर की जगह है जहाँ पर हमारी मुर्गियाँ जाती है, और आज जो हमारी मुर्गी गुम हुई थी और मिली थी ना, वो वहाँ पे कोने पे गई हुई थी वो मुर्गी। और ये पूरी जगह हमारे घर के आगे वाली, यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ जाती हैं, वैसे तो घूमती एक भी नहीं है, पर वो मुर्गी उधर कोने पे गई हुई थी तो तब वो घूम गई है।